हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी, उसके बाद करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो शुरू करते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी। जैसे कि आपको पता है कि जो पीछे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि रदरफोर्ड मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स रही, इनको रिजोल्व करने के लिए बोहर थ्योरी आई है। अब बोहर थ्योरी की भी ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या हैं देख लेते हैं। कि अगर आप बोहर थ्योरी को ऐसे एटम पे अप्लाई करें जहाँ पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो प्रिडिक्शन है बोहर थ्योरी की, वो एक्सपेरिमेंटल के साथ एग्री नहीं कर रही। यानी वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर रही है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही बोहर थ्योरी की। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या रही, अब उन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्चुअली वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे, कि जब आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को, उन्होंने कहा कि आपको लाइन स्पेक्ट्रल लाइन कब मिलती है, कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी इसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व होती है। ठीक है, ठीक बात है। बट अगर आप ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑब्जर्व हुई, जब इसको हाईली रिजोल्व्ड इंस्ट्रूमेंट, रिजोल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट से देखें, तो वो सिंगल ना हो के क्या थी, वो डबल या ट्रिपल या मल्टीपल थे उसके वहाँ पे। तो ये सिंगल लाइन ना हो गए, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स ऑब्जर्व हुए, यानी आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती हैं। तो बोहर थ्योरी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी कि इसने पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं हम, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा, जब आपसे सोडियम लैम्प पे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, तो सोडियम की आपको टू लाइन ऑब्जर्व होते हैं, टू येलो लाइन है ना। तो वहाँ पे जैसे मान लो ये सोडियम की लाइनें हैं, तो यहाँ पे इनकी जो इंटेंसिटी है, अगर उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि, तो एक लाइन की इंटेंसिटी कम दिखती है और एक की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा दिखती है। तो बोहर थ्योरी ने इनकी इंटेंसिटी ऐसे क्यों है, कि किसी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रिलेटिव इंटेंसिटी इनकी ऐसे क्यों है। नेक्स्ट जो बोहर पोस्टुलेट हैं, लास्ट जो इसकी ड्रॉबैक्स है, वो ये है कि जो बोहर पोस्टुलेट उन्होंने लिए हैं, वे कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी हैं। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया है कि वाई वी अज्यूम ऑर्बिट टू बी सर्कुलर, है ना। ऑर्बिटल आपका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल भी हो सकता है या किसी अदर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर ही क्यों है, इसका कोई रीज़न उन्होंने नहीं दिया। एक और उन्होंने कंसिडर किया पोस्टुलेट की, एंगुलर मोमेंटम जो है क्या रहेगा, आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई होगा, क्वांटाइज्ड होगा। इसका भी उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया कि वाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी बोहर थ्योरी की। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, आज तक हमें क्या पता है कि रेडिएशन का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। मैटर कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है, है ना। क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, लोकलाइज इन स्पेस होते हैं। मैटर वही तो होती है ना, जो पार्टिकल क्या होगा, जिसका एक कुछ डायमेंशन होगा, जो कहीं से शुरू होकर कहीं पे ख़त्म हो रहा होगा, है ना, उसी को कहेंगे ना ये पार्टिकल नेचर है। तो मैटर जिसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही देखिए हमने सबका एक परफेक्ट डायमेंशन है ना, तो वो कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है। हमें पता था कि वेव जो है, रेडिएशन जो है, वेव नेचर की है। और इसको ये तीन फिनोमेना ऐसे हैं जो इसको इसको क्लैरिफाई भी करते हैं कि एक्चुअल में रेडिएशन वेव नेचर की है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, डायफ्रेक्शन पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा है, तीनों ही फिनोमेना क्या शो करते हैं, दैट रेडिएशन है वेव नेचर। ठीक है, अब पीछे के लेक्चर आपने देखे होंगे, उसमें हमने दो फैक्ट पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकेंड इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। दोनों इफेक्ट क्या शो करते हैं कि जो लाइट है वो वेव की नहीं, वेव की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव करिए, पार्टिकल की तरह बिहेव करिए, है ना। तो ये इफेक्ट किस क्या दे रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दे रहे हैं। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे प्रूफ है कि ये एक्सपेरिमेंट तो कह रहे हैं कि लाइट का नेचर वेव है, और ये एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि उसका नेचर पार्टिकल है। इट मीन्स लाइट इज ड्यूअल इन नेचर। ठीक है, और यही बात आगे चल के डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने मैटर की ड्यूअलिटी को, इसी बात को बेस बना के एक्सप्लेन किया। तो वो क्या थी, देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या ऑब्जर्व किया,
कि जो नेचर है वो सिमेट्रिकल है। सही बात है कि नेचर में सिमेट्री है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टोटली लाइट और मैटर से मिलके बना है, है ना। और अभी अभी हमने देखा है कि लाइट का जो करैक्टर है वो ड्यूअल करैक्टर है, है ना। तो मैटर का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल करैक्टर होना चाहिए, बिकॉज नेचर में तो सिमेट्री है, है ना। इसी को बेस बना के उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट थी, द वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द रेडिएशन अलोन बट शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द ऑल फंडामेंटल एंटिटीज ऑफ फिजिक्स, है ना। सिर्फ रेडिएशन के लिए, रेडिएशन तक ही उसको कन्फाइंड नहीं किया जा सकता, उसको हर एक फंडामेंटल एंटिटी जो फिजिक्स की है उस तक एक्सटेंड करना है हमने। तो इसलिए जो जैसे कि लाइट ड्यूअल नेचर की है, सिमिलर मैनर में जो आपकी मैटर है वो भी क्या है, ड्यूअल नेचर की है। अनदर वर्ड में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि एक मूविंग पार्टिकल, उसका कुछ भी नेचर चाहे वट एवर इट्स नेचर, हैज़ वेव प्रॉपर्टी एसोसिएट विद इट एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ दैट बॉडी एंड वी इज द बेलस्ट विद विच इट्स मूविंग एंड दिस वेव इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेव, या फिर हम कहें दिस इज मैटर वेव, या फिर आप इसको कह सकते हैं दिस इज पायलट वेव, ठीक है। यानी हर एक मैटर पार्टिकल जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका मास एम है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट करेगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं, द वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। अब इस वेवलेंथ की क्या करेक्टरिस्टिक्स रही, वो ये हैं कि जो वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। वेवलेंथ चार्ज पे डिपेंड नहीं करी कि किस चार्ज का पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन देखें, अगर आपका पार्टिकल ज़्यादा हैवियर है तो वेवलेंथ क्या होगी, लेसर होगी, है ना। वेवलेंथ जो होगी हैवियर पार्टिकल के लेसर, क्योंकि इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। अगर आपका पार्टिकल स्लो मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी क्या है, इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। दूसरा एक उन्होंने बताया कि किसी भी फिनोमिना को अगर आप लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस फिनोमिना को आप पार्टिकल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। यानी एक टाइम पे जो लाइट है वो एक ही की तरफ बिहेव कर रही है, या तो वो वेव की तरफ बिहेव कर रही है या तो वो पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रही है। जैसे कि लाइट के केस में अगर आप देखें, इंटरफेरेंस को आप सिर्फ वेव नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल से नहीं कर सकते। उल्टा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिर्फ आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डीप ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए, जो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन के केस में वो हमें पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू होती है, ठीक बात है। ड्यू टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें पता है जो एनर्जी होती है वो इक्वल टू क्या होती है, अगर वो सी वेल टोटल एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर, एम जो है यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास है, दोनों ही फोटोन की एनर्जी है, इक्वेट कर दीजिए, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, या फिर मैं कहूँ एच न्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे रिलेशन होता है न्यू और लैम्डा में, दैट न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, या फिर न्यू इज इक्वल टू सी और लैम्डा, तो न्यू को सी और लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। ये आ गया हमारा एच सी और लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच ओवर एम सी, ठीक है। इन केस ऑफ फोटोन, इफ एम इज़ द मास ऑफ फोटोन, है ना, रिलेटिविस्टिक मास है, वन ये क्योंकि जो फोटोन है उसका रेस्ट मास जीरो होता है, तो ये रेस्ट मास नहीं है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच ओवर मास ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन सी वेलोसिटी से मूव करता है। अब देखिए, अगर आप फोटोन की जगह पे करें, इफ इंस्टीड ऑफ फोटोन वी कंसिडर अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम, मास हमने रखा है मटेरियल पार्टिकल का एम, एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी, है ना, उस केस में जो लैम्डा होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच ओवर एम वी के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि एम हमने क्या कर दिया, मास को मास से रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। तो किसी भी मटेरियल पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट करेगी जिसकी वेवलेंथ होगी एच ओवर एम वी,
हमें ये भी पता है कि एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एच ओवर पी, ठीक है। दिस इज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ मटेरियल पार्टिकल। बहुत ही इजी एक्सप्रेशन था, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टर्म में आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि जो एनर्जी है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी कहें आप, जो काइनेटिक एनर्जी होगी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर टू एम होती है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमें ये भी पता है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से वे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट पी की फॉर्म में हमने निकाल ही लिया, तो पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पी इक्वल टू क्या आ गया, अनरूट टू एम ई आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, एच ओवर अनरूट टू एम ई। तो ये अनदर एक्सप्रेशन है फॉर डीप ब्रो वेवलेंथ, है ना। अगर आपको टेम्परेचर की फॉर्म में इसको निकालना है तो टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको। हमें पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, 3/2 के टी के इक्वल होती है, है ना। के इज बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट, इज टेम्परेचर, पुट कर दीजिए ई की जगह पे 3/2 के टी लैम्डा क्या आ जाएगा, एच ओवर अनरूट टू एम 3/2 के टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 3 एम के टी, ठीक है। ये एक अनदर एक्सप्रेशन हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप इन टर्म ऑफ, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें वोल्टेज, तो उस सिचुएशन में ये कैसे होगी, जैसे कि आपने कंसिडर कर दिया, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई एंड मास एम है, और वो इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट, है ना, वी वोल्ट से वो उस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर वो वी वेलोसिटी अटेन करता है उन सिचुएशन में, जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू ई वी, वी इज दी पोटेंशियल हेयर और ये स्मॉल वी है उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो है, ठीक है। यहाँ से एम वी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी, दिस इक्वल टू टू ई, सॉरी एम वी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, टू ई पोटेंशियल आ गया, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल टू टू एम ई वी, अंडर रूट स्क्वेयर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो एम वी इक्वल टू अंडर द रूट टू एम ई वी, वी इज पोटेंशियल हेयर, वैल्यू पुट कर दीजिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में, तो लैम्डा क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एच ओवर एम वी था, एम वी की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या आ जाएगा, एच ओवर अंडर द रूट टू एम ई वी, वी इज पोटेंशियल हेयर। अगर आप इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकालना चाहें तो वैल्यू पुट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इज एच ओवर अनरूट टू एम ई अलग लिख दिए और पोटेंशियल को अलग लिख लिया हमने, एच की वैल्यू पुट कर दी 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹ केजी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ये अंडर द रूट है अनरूट वी हमने एज इट इज रखा है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे दिस टर्म बिकम 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में ये टर्म आएगी, ठीक है। तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आप डायरेक्ट क्रैम कर सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ निकालनी है और पोटेंशियल आपको गिवन है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं बजाय ये लगाने के कि आपको बार बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखना पड़े, उसके कंपैरिजन में आप डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल रखिए और ये जो वैल्यू आएगी वेवलेंथ की वो एंगस्ट्रॉम में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आपको डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होती, ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप जाएं तभी ऑब्जर्व होती है। उसके पीछे क्या रीज़न है, देखिए यहाँ पे दो केस अगर हम लें, मान लो एक हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन का केस ले लिया और दूसरा हमने कोई भी मैटर पार्टिकल ले लिया, कोई भी मैटर पार्टिकल है आपके पास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³⁹ kg,
ठीक है, ठीक बात है। अगर वेलोसिटी अगर देखें, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10^5 m/s इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैटर पार्टिकल के केस में हमने ले लिया मास जो है वो 1 g है और जो इसकी वेलोसिटी है वो 10^3 m/s है, ठीक है, 1000 m/s से वो मूव कर रहे हैं, 1 g का कोई ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के लिए अगर आप डी ब्रोई वेवलेंथ निकाले, फॉर इलेक्ट्रॉन इज h/mv करेंगे, सेम फॉर मैटर पार्टिकल इज h/mv करेंगे, ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस विल बिकम 7.3 nm, h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, h इज 6.6 × 10^-34 J/s, ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेना। अब मैटर पार्टिकल के लिए अगर यही टर्म हम कैलकुलेट करें, देन दिस बिकम 6.62 × 10^-25 nm, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दिस वेवलेंथ 7.3 nm, बट यहाँ इस वेवलेंथ को अगर देखें तो दिस इज 6.6 × 10^-25 nm, इतनी स्मॉल वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो आप जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें, जब डेली लाइफ के बारे में हम बात करें, तो वहाँ पे आपको डीप ब्रोई वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होती है। बट जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, उस सिचुएशन में आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। एक एक हर एक फॉर्मूला से एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास गिवन है, मास इज 1.676 × 10^-27 kg, स्पीड गिवन, ठीक है, बहुत ही ईजी है। एम इज गिवन टू यू 1.676 × 10^-27 kg, ठीक है, एंड वी इज गिवन टू यू 3003 m/s, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, वेवलेंथ निकालना है, इक्वल टू h/mv, h की वैल्यू भी पता है हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10^-34 J/s डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.676 × 10^-27 और इनटू में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, मीटर पर सेकंड है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3.003 × 10^3 चला जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये 10^2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको सिर्फ पावर सोल्व करके बता देती हूँ कितना आएगा, 1.676 × 3.003 × 10^3, देखिए यहाँ पे कितना बच गया, दिस इज -27, दिस इज +3, नीचे बच गया -24, ऊपर -34 है, तो ऊपर कितना रह जाएगा, ओनली -10, ठीक है। अगर आप सोल्व अगर इसको करेंगे, देन दिस बिकम नियर अबाउट, अगर देखें ऊपर कितना आ रहा है, 6.6 आ रहा है, और नीचे अगर सोल्व करें 3.6 या कितना होते हैं 18 और समथिंग 4 point something और 5, नियर अबाउट 5 अगर आए तो ये वैल्यू नियर अबाउट 1 point something आएगी। तो दिस इज 1.315 angstrom, 10^-3 को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रोम। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेवलेंथ एसोसिएट विद न्यूट्रॉन इज 1.315 angstrom, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, और वो किस में निकालनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है, जिसकी वेवलेंथ गिवन है, एच गिवन है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि लैम्डा जो होता है वो इक्वल टू h/√2me होता है ना। निकाला था हमने पीछे कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एनर्जी की फॉर्म में, h/√2me। हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी को इधर ले आइए, स्केयरिंग बोथ साइड, दिस इम्प्लाई लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू h/√2me, निकाल लीजिए, e इज इक्वल टू क्या आ गया, h/√2m λ², ठीक है। एच की वैल्यू पुट कर दें, 6.6 × 10^-34 ² डिवाइडेड बाय 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10^-31 एंड × आपका लैम्डा स्क्वेयर विच इज 3 × 10^-2
स्क्वेयर, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आपको ये सोल्व करना है। अब यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आपकी जूल में आएगी, ये मान लो आपकी आ जाती है सम ई प्राइम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो एनर्जी आपको निकालनी है जूल में आएगी, आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करोगे, इस जूल में जो आई है उसको 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे -19, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और वो वैल्यू आपकी आती है नियर अबाउट 1.68 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सोल्व करके देख लेना कि एक्चुअल में इतनी आती है कि नहीं आती। दिस इज़ नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर है, आप करेक्ट कर लेना इसको। तो जूल में अगर आ रहा है तो उसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आपको निकालना है ऑफ विच इलेक्ट्रॉन आर टू बी सब्जेक्टेड इन ऑर्डर टू एसोशिएट दैम विद द डी ब्रोय वेवलेंथ। देखिए आपको सिर्फ वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा इज 0.50 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट ही पता है, क्या है कि 12.27/√V एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इतनी वेवलेंथ हमारी आती है, ये हमें वी निकालना है, तो √V इक्वल टू क्या आ गया 12.27/λ इज 0.50, ठीक है। वी निकालना है स्केयरिंग बोथ साइड 12.27/0.5² तो ये वी आपका आ जाएगा नियर अबाउट 602.2 वोल्ट, ठीक है। बहुत ईजी है, ये आ जाएगा 602.2 वोल्ट। स्केयरिंग करेंगे तो ये टर्म आई थिंक आती है 24.54² तो ये स्केयर सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ द एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। वी गिवन है आपको 100 वोल्ट, ठीक। ये बहुत ही ईजी है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज हमने निकाला था दिस इक्वल टू 12.27/√V एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो पुट कर दीजिए 12.27/√100, ये आ गया आपके पास 12.27/10 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम लिख सकते हैं 1.227 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डी ब्रोय वेवलेंथ एसोशिएट विद इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज ऑफ द ऑर्डर, यहाँ पे एनर्जी इन्होंने दे दी kT, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना वेवलेंथ, ये हमने निकालनी है, और टी इन्होंने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहली बात तो जो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको आप कर लीजिए केल्विन में, तो टी आ जाएगा 27 + 273, ये आ जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। हमें एनर्जी के साथ रिलेशन पता है, एनर्जी के साथ रिलेशन होता है लैम्डा का इज इक्वल टू h/2mE अंडर दी रूट, और E हमें दी हुई है kT, तो पुट कर दीजिए h/√2mkT, हर एक की वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा आ जाएगा आपका 6.62 × 10⁻³⁴ है, डिवाइड बाय अंडर द रूट 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 1.38 × 10⁻²³⁷ J/K होती है, इंटू टी है, टी इज 300 केल्विन, तो दिस बिकम नियर अबाउट 1.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ एसोशिएट विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, उन बेस पे बहुत ही सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन आता है, एक चीज़ आपको गिवन होती है दूसरी आपने निकालनी होती है। आई होप समझ आ गया होगा आपको।